इस ब्लैंक को काटने के लिए 100 टन के पावर प्रेस की मुझे रिक्वायरमेंट है। 100 टन के पावर प्रेस पे ये ब्लैंक कटेगा, लेकिन मेरे पास जो पावर प्रेस है वो 70-80 टन की है। तो मैं किस तरीके से इस ब्लैंक को अपने 70-80 टन के पावर प्रेस पे काट सकता हूँ? 70-80 टन की प्रेस पे मैं 100 टन का लोड कैसे दे पाऊंगा? क्या मैं कर सकता हूँ? किस तरीके से मैं अपने लोड को डिवाइड करूंगा? कुछ अगर इस तरीके का क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। सब कुछ लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, लाइव प्रूफ के साथ बात करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, कुछ ना कुछ नया देख के और सीख के ही जाएंगे। सबसे पहले हम एक क्वेश्चंस को पिक करें, जो क्वेश्चंस मेरे पास कई बार इंस्टाग्राम पे आया था, कई बार रिक्वेस्ट किया गया था, हालांकि मैंने उनका रिप्लाई भी किया। और क्या क्वेश्चंस था, पहले आप उस क्वेश्चंस को सुनिए, आपको अनुमान लग जाएगा हाँ यार हम आज कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ बहुत ही यूनिक चीज़ सीखेंगे और कुछ अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसको लेकर। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ना चाहेंगे जो मेरे पास इंस्टाग्राम पर आया था, जो कि पंचाल जी का था, जिसमें लिखा था उन्होंने, हाई सर, आई एम सब्सक्राइब फॉर योर चैनल, आई हैव ए क्वेश्चन अबाउट डाई, आई हैव 0.5 mm SH304 स्टील एंड इट्स डाई, आई लिव इन विलेज एंड आई हैव ए मैनुअल प्रेस एंड इट्स हार्ड टू कट। इनका जो क्वेश्चन था, मेरे को क्वेश्चन उस समय क्लियर हो गया, इनका क्वेश्चन यही था, ये मतलब एक विलेज से बिलोंग करते हैं और इनके पास जो टूल है जिसमें इन्होंने कटिंग करना है SH304 जो कि 0.5 mm का है। उसके अलावा मैंने इनसे और भी काफ़ी सारी बात हुई थी जिनमें इनका मेन क्वेश्चन ये था कि जो ये पावर प्रेस पर काट रहे हैं, इनका मैनुअल पावर प्रेस यानी कि हैंड पावर प्रेस थी जिसपे ये कट कर रहे थे, कटिंग करने में इनको कई सारी प्रॉब्लमें आ रही थी, जैसे कि जब कटिंग करते थे कटिंग फोर्स बहुत ज़्यादा लगती थी, उसकी वजह से इनको काटने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसीलिए मेरे से ये जानना ये चाह रहे थे इसका मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इजी कैसे कट कर सकते हैं, मतलब जो हम ब्लैंक काट रहे हैं, जो भी मटेरियल हम काट रहे हैं अपना, उसको इजी कट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इतना हार्ड काटना बहुत मुश्किल हो पा रहा है वो भी मैनुअल प्रेस। हालांकि फिर मैंने इनको रिप्लाई भी कर दिया था कि आप अपने जो भी पंच है, पंच में आप एंगल डाल दीजिए, टेपर डाल दीजिए। हालांकि मैंने इनको बता दिया था, इनको क्लियर भी हो गया था, इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था, मैंने उसी समय इनको एक कमेंट भी कर दिया था, मतलब मुझे ऐसा लगा कहीं इनको डाउट ना रह जाए कि यार जो मैं बता रहा हूँ वो रियलिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगा, तो इसलिए मैंने इनको क्लियर कर दिया था। मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बना के दे दूंगा ताकि जो डाउट्स है वो डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाए, तो इन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या बताने वाला हूँ और क्या समझाने वाला हूँ, बहुत यूनिक चीज़ बताने वाला हूँ, शायद काफ़ी लोग जानते हो, जो ना जानते थे यार आज जान जाओगे। देखिए आज मैंने ये चीज़ मैंने कई बार देखा, कई बार महसूस करके देखा कि काफ़ी टूल ऐसे होते हैं कि जो उनकी यार ना कैपेसिटी होती है, मान लीजिए मेरे पास एक कंपोनेंट है, ठीक है, इस कंपोनेंट को मानते हैं हमारे कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को हमें काटना है, अगर हम इसका ब्लैंक टूल बनाते हैं और हमारा जो डिस्कस होता है कि भाई ब्लैंक टूल हमारा जो चलेगा, जो हमारा टूल चलेगा वो मान लीजिए 100 टन पे चलेगा, ठीक है, हमारे भाई इसका जो कैलकुलेशन निकलता है भाई 100 टन में चलेगा। अब बात आती है यार कि हमारे पास मैनेज नहीं हो पा रहा, हमारे पास 100 टन की प्रेस नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? प्रॉब्लम ये है भाई, 100 टन की प्रेस नहीं है और आपको ये ब्लैंक काटना है तो क्या करेंगे? उस जगह पे आप कुछ ट्रिकों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी वजह से आप जो 100 टन का लोड है वो 80 टन पे कर सकते हैं, 80 टन पे काम कर सकते हैं आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बार ऐसा भी हो सकता है यार, नहीं मान लीजिए ठीक है यार मेरी जो कैपेसिटी है, मैं 100 किलो का वजन उठा सकता हूँ, ठीक है, और आप कहो नहीं जी मैं 150 किलो वजन रख दोगे तो फिर मैं नहीं झेल पाऊंगा ना, ऐसा होता है, इसलिए ओवरलोड देना गलत है, ठीक है, ये गलत है। लेकिन कुछ तरीके ऐसे हो सकते हैं जिसको फॉलो करते हुए आप कर भी सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास 100 टन की कैपेसिटी के लिए आपके पास जो टूल है आप उसको 80 टन में चलाना चाहते हैं, ऐसा मैंने करके देखा है, ऐसे प्रैक्टिकल मैंने करके देखा, इस वीडियो में लाइव दिखाऊंगा भी कि भाई मैंने कैसे किया। तो ये चीज़ें मैंने और कई लोगों को रिकमेंड भी किया जिनसे काफ़ी चीज़ों का फ़ायदा भी हुआ, आज भी मैं काफ़ी टूलों में मुझे करना पड़ता है, चाहे वो मान लीजिए आप फोर्स की वजह से, पावर प्रेस की रिक्वायरमेंट की वजह से, और भी कई सारी चीज़ें जो मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ। देखिए सैंपल सी बात है, अगर आप ये 5 mm की थिकनेस है, ठीक है, 5 mm थिकनेस से लोड कितना ज़्यादा पड़ रहा है आप सोच सकते हैं ना, मान लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट इस टूल के लिए, इस कंपोनेंट के लिए 100 टन की होती है, 100 टन की अवेलेबिलिटी नहीं है आपके पास, 100 टन की पावर प्रेस आपके पास नहीं है, उस कंडीशन में आपने सिंपल से ये करना है, जो भी टूल है आपका पंच है, जो पंच है पंच में आपको टेपर डाल देना है, ठीक है, टेपर डाल देना। टेपर डालने का फ़ायदा क्या होगा वही बता दूंगा, और टेपर कितनी डालनी वही बता देता हूँ, कोई बात नहीं है। 5 mm की सीट है, कुछ मत डालिए, मान लीजिए आपका इतना बड़ा एरिया, मान लीजिए 100 का एरिया है, मतलब ऐसा कीजिए
कि यहाँ से अगर यहाँ तक 100 तक जाता है तो कम से कम 2 से 3 mm तक टेपर आ जाए। 2 mm भी टेपर डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं, मत डालिए 2 mm भी डाल दीजिए। 2 mm डालने पता क्या हो गया आपको, क्या फ़ायदा हुआ, 2 mm बाद ना आपका लोड कम हो गया। लोड कम कैसे हो गया, पहले पंच जब कट रहा था पूरा पूरा ऐसे कट रहा था, पूरा पूरा मतलब पूरा लोड इस पर आ रहा था ना, पूरा पूरा कंपोनेंट पर लोड आ रहा था, तो सारा लोड आपके प्रेस टूल पर जा रहा था। ओके, अब क्या हुआ, जब आपने टेपर डाल दिया तो पीस तो पूरा एक बार में नहीं कट रहा ना, पहले क्या हुआ, अब ऐसे टेपर में कट रहा है, पहले यहाँ पे काटा फिर यहाँ से काटते हुए यहाँ पे गया, क्यों, क्योंकि आपका जो पंच है वो टेपर हो गया। पंच जब टेपर में है तो एक पहले हाई पॉइंट से होते होते फिर ऐसे काटेगा, पहले क्या था डायरेक्ट काट रहा, डायरेक्ट काटने मतलब इतना लोड करना, इतना लोड होगा, इतना आवाज़ आएगी, प्रेस भी भाई हैवी चाहिए क्योंकि लोड ज़्यादा पड़ रहा है। अब आपका लोड जो था वो डिवाइड हो गया, लोड डिवाइड हो गया, क्यों डिवाइड हो गया भाई, अब वो यहाँ से कटते हुए यहाँ जा रहा है, यानी कि अब वो ऐसे कर काट रहा है, ऐसे कर काट रहा है ना, अब पहले बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट काट रहा, जब स्ट्रेट काट रहा था ऐसे काट रहा था ज़्यादा लोड पड़ रहा था, अब वो ऐसे काट रहा है, यानी कि यहाँ से कटते हुए फिर यहाँ तक जा रहा है, लोड डिवाइड हो गया। लोड डिवाइड होने से कई चीज़ों का फायदा होता है, एक तो ये हो गया, चलो ठीक है आपका जो पावर प्रेस रिक्वायरमेंट इतनी हैवी थी वो भी कम हो गई, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि आवाज़ भी काफ़ी कम हो जाती है, आवाज़ भी काफ़ी कम हो जाती है। मैंने, मेरे पास स्प्रिंग स्टील कुछ मटेरियल ऐसे कंपोनेंट जो चलते हैं, आवाज़ इतनी ज़्यादा आती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, उसकी वजह से मैंने उसमें करके भी देखा तो उससे आवाज़ भी काफ़ी कम हो जाती है क्योंकि लोड कम हो जाता है। उसके बाद आप इस चीज़ का ट्रिक इस्तेमाल करके आप मतलब काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छा 100 टन के जहाँ पे 70-80 टन के प्रेस पर भी अपना काम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर आपके पास है तो आप 100 टन पे यूज करिए, अगर नहीं है उस कंडीशन में आप ऐसे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब आपका वो डाउट भी ये था ना, जैसे भाई साहब वो मतलब जो इन सर से मेरी बात हुई थी इंस्टाग्राम पे, उनको भी डाउट रहा होगा, इसलिए मैंने बोला भी तो वीडियो बना दूंगा। अभी देखिए मेरे पास एक पंच है, ठीक है, ये पंच है सेरिंग का पंच है। अब सेरिंग के पंच मुझे प्रॉब्लम क्या आ रही थी, लोड बहुत ज़्यादा पड़ रहा था क्योंकि ब्लैंक काफ़ी लंबा हो गया, लोड ज़्यादा पड़ रहा था और सीट भी मतलब ठीक ठाक नहीं थी, कम से कम 3 mm मोटी सीट है। अब भाई 3 mm मोटी सीट है, इतना लंबा पीस कट रहा है, लोड भी ज़्यादा पड़ रहा था और काफ़ी लंबा भी हो रहा था, तो इसके लिए मैंने क्या किया, सिंपल सा आपको सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं पहले ही मतलब इससे पहले भी मैंने इसमें टेपर डाला हुआ था, एंगल डाला हुआ था, एंगल मैंने 2 mm का डाला हुआ था। पहले आपको इसको चेक करवा देता हूँ, चेक कर लेते हैं हम पहले, उसके बाद मैं दोबारा इसको दोबारा ग्राइंड करके भी दिखाऊंगा आपको। सिंपल से देखिए, एक हाई पॉइंट है और एक लो पॉइंट है, ठीक है, मैं हाई डीएच पर रख के आपको दिखा रहा हूँ, ये एक हाई पॉइंट बन रहा है, एक लो पॉइंट बन रहा है। अब लो पॉइंट है जहाँ पर, जहाँ पर देखेंगे आप गैप दिखाई दे रहा है आपको, देखिए मैंने वहाँ पे इसको टाइट कर दिया, टाइट करने में देखिए यहाँ पर मुझे पंच में अपने गैप दिखाई दे रहा है। गैप में अगर जो मैं सीट डाल के दिखा रहा हूँ आपको, ये सीट 2 mm की है, 2 mm की सीट बिल्कुल इसके अंदर घुस जाती है, मतलब सीट चली जा रही है, यानी कि जो मेरे पास टेपर है अगर मैं हाइट को चेक करूँ, अगर एक जगह पर अगर 100 mm की हाइट होगी तो एक 98 की है, यानी कि अक्रॉस 2 mm का इसमें मैंने टेपर डाला हुआ, एंगल डाला हुआ है, ठीक है। अब इसको डालना कैसे था, चलिए वो भी पहले दिखा देता हूँ आपको। मैग्नेट पे, यानी कि अपने सरफेस ग्राइंडर पे अपने सैंपल सा रखना है, जो भी आप मतलब जितना भी करना चाहते हैं उस तरीके से नीचे आप पैकिंग लगा सकते हैं, वो आपका हाई पॉइंट ऊपर हो जाएगा और काट सकते हैं। अगर कोई छोटा पंच है 22 में पकड़ सकते हैं, जैसी भी सुविधा लगे एंगल प्लेट पकड़ सकते हैं, जो आपको बेटर लगे, जैसा कंपोनेंट मतलब जैसा टूल हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चीज़ को आप आजमा सकते हैं, देख सकते हैं, ट्रायल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इससे आपका लोड डिवाइड हो जाता है, लोड डिवाइड होने की वजह से आपको सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि जो आपकी पावर प्रेस की रिक्वायरमेंट अगर 100 टन की होगी तो आप 70-80 टन के प्रेस पर भी काम कर सकते हैं। ऐसा लोग जो मतलब जिनकी छोटी फर्म है जहाँ पर उनके पास नहीं अवेलेबिलिटी हो पाती है, उस जगहों पे इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे इन सर के पास भी प्रॉब्लम थी, उनके पास मतलब लोड ज़्यादा, क्यों लोड यार, मान लीजिए कोई सीट है यार, इतना बड़ा कोई कंपोनेंट कटेगा एक बार में तो लोड पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कितना लोड पड़ रहा है, कितना ज़्यादा लोड पड़ रहा है ना, कितना ज़्यादा लोड पड़ रहा है। अगर यही चीज़, अगर आप ये चीज़ अगर हम ऐसे कर रहे हैं भाई कि एक बार में नहीं कट रहा है बल्कि ऐसे काटता हुआ जा रहा है, ऐसे काटता हुआ जा रहा है, तो फिर कितना ज़्यादा भाई, लोड तो कम हो गया ना। तो इस ट्रिक का जरूर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मतलब आपका लोड डिवाइड हो जाएगा और आप इसको छोटी प्रेस पे कम मतलब कम टन के प्रेस पे भी इस्तेमाल कर पाएंगे और डाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हर चीज़ को आपको सिस्टम से एक हिसाब से करना है, जो कि मैंने आपको लाइव दिखा भी दिया है। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपका टूल हो डाई हो किसी को सजेस्ट भी कर सकते हैं, जहाँ रिक्वायरमेंट हो आप वहाँ पर कीजिए, जहाँ ना हो वहाँ पर मत कीजिए। ये इस तरीके हैं कुछ, मैंने वीडियो इसलिए बनाया ताकि कोई डाउट ना रह जाए, उन सर को भी आप लोगों में कोई भी इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग यार अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 33% लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हुए नहीं है,
प्लीज़ यार रिक्वेस्ट करता हूँ यार, छोटा भाई का यार सपोर्ट करिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। मैं हर तरह की वीडियो आप लोग शेयर करता हूँ ताकि किसी को मतलब जो किसी भी कैटेगरी से हो इस फील्ड में, किसी भी मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब करता हो बंदा, बिजनेस करता हो, तो कोई प्रॉब्लम ना आए, सब कुछ हम मैनेज करके चलते रहें, चाहे मेंटेनेंस हुआ, न्यू डेवलपमेंट हुआ, ड्राइंग, डिजाइन, कोटेशन, सब कुछ मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टाटा।